हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया है कढ़ाई मटन। पराठे और कुलचे के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको पराठे और कुलचे का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो अब हम ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। यहाँ पर 1/2 kg मटन मैंने लिया है, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम कढ़ाई मसाला बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। यहाँ पर हम ड्राइड रेड चिल्लीज डालेंगे, 4 मैंने डाला है। यहाँ पर साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और यहाँ पर शाही ज़ीरा 1 टीस्पून। इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे, लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। हम इसे ऐसे ही लगातार 2 से 3 मिनट्स तक रोस्ट कर लेंगे। देखिए अभी हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे एंड हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सर जार में। अभी हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए कढ़ाई मसाला बनकर रेडी है। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है एंड इसमें मैंने ऑयल डाला है 4 टेबल स्पून। कटी हुई प्याज ले लेंगे, 3 मीडियम साइज़ के मैंने लिया है। अभी हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे रोस्ट करना है हमें। इसे ऐसे ही 2 मिनट्स तक हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी ये लाइट गोल्डन हो चुका है। कंटिन्यूस हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। अभी हम यहाँ पर मटन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। हम इसे ऐसे ही रोस्ट करेंगे 2 मिनट्स के लिए। देखिए कुछ इस तरह हाई फ्लेम पे 2 मिनट्स तक रोस्ट कर लेंगे। टोमेटोज यहाँ पर हम डालेंगे, 3 से 4 मीडियम साइज के टोमेटोज ले लेंगे। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक 1 टीस्पून मैंने डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे ऐसे ही। अभी देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह हमें करना है। यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, इसे मैंने वर्टिकली कट किया है। अभी देखिए जो कढ़ाई मसाला हमने बनाया था उसका 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। अब यहाँ पर 1 कप हम पानी ऐड करेंगे इसमें। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
अभी हम इसे कवर कर 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। अभी यहाँ पर मैं बीच में इसे चेक कर लूँगी। देखिए थोड़ा सा स्टर करेंगे हम अभी इसे। ये देखिए 1 मिनट तक मैं यहाँ पर कुछ इस तरह स्टर कर लूँगी। यहाँ पर हम फिर से इसे ऐसे ही रख देंगे कंटिन्यू। देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए अभी हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम दही ऐड करेंगे, 1 कप मैंने लिया है। एंड यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह। अच्छे से स्टर करेंगे हम अभी इसे। वाओ देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं एंड ये अच्छे से अभी परफेक्टली कुक्ड हो चुका है। इसे हम स्टर कर लेंगे। देखिए अभी फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। देखिए अभी हमारा कढ़ाई मटन बनकर रेडी है। अभी ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए।